आज़ादी के 75वें वर्ष होने के बावजूद भी चापड़ा का पेयजल संकट दूर नहीं हुआ है, जिसको लेकर आम जन काफ़ी परेशान है। विगत कई वर्षों से पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए चापड़ा की जनता जनप्रतिनिधियों से मांग करती आ रही है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी दौर में नेमावर से हाट पिपरिया विधानसभा तक एक पेयजल योजना निकल रही है, जो कि चापड़ा से ही गुजर रही है, जिसके बावजूद भी चापड़ा को उस योजना से नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण चापड़ा की जनता में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते उक्त योजना से जोड़ने के लिए चापड़ा की जनता विगत कई दिनों से जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से मांग कर रही है। इसी के चलते बुधवार के दिन चापड़ा की महिलाओं का उक्त योजना से वंचित रखने के प्रति विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में ग्राम चापड़ा की महिलाएं ग्राम पंचायत के नेतृत्व में बागली SDM कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देकर मांग की गई है कि उक्त योजना से चापड़ा को जोड़ा जाए, जबकि योजना चापड़ा से ही गुजर रही है। चापड़ा में 12 महीने ही रहवासियों को पानी खरीदना पड़ता है, गरीब वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। बागली SDM कार्यालय पहुंची, तो क्या मांग है उनकी? हमारी मांग है पानी की, जो कि चापड़ा की सबसे बड़ी समस्या है। चापड़ा बहुत बड़ा ग्राम पंचायत कहा जाता है, और चापड़ा में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। चापड़ा जो नर्मदा से पाइपलाइन हाट पिपरिया और बागली जाती है, जो चापड़ा से होते हुए जाती है, पर फिर भी उसका पानी चापड़ा में नहीं मिल रहा है, और हम सब महिलाएं चापड़ा की यही समस्या लेकर यहाँ आए हैं। यदि समस्या हल नहीं होती तो क्या आगे की क्या करेंगे? हम फिर धरना देंगे, और हमने आगे भी बहुत कुछ सोच रखा है कि हम महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।